Good morning, all. Welcome back to our social studies subject. This is Shubhangi from third standard, and today we are going to learn about our ninth lesson, is local self government. Okay? In previous video, we have to learn this chapter, and this chapter is over now. Then our question answers are: take the correct answer. And first question: What is the minimum age requirement? टू बिकम अ में पंचायत पंचायत के सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होना जरूरी होता है तो करेक्ट आंसर है एटीन ईयर्स ओके देकेंड गवर्नमेंट अपॉइंट टू एडवाइस विलेजर्स जो गाँव के लोग होते हैं उनको एडवाइस चाहिए होती है तो ऐसे में गवर्नमेंट एक मेंबर को अपॉइंट करता है वो होता है पंच ओके देन हु इज हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्यसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है ओके देन नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पंचायत पंच देन हेड ऑफ अ पंचायत सरपंच

लेसन का देखो फर्स्ट पार्ट वी ऑल नीड ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी रोड्स स्कूल्स हॉस्पिटल एटसेट्रा टू लीड अ स्मूथ एंड प्रोग्रेसिव लाइफ अब ये जितने भी मैंने नाम लिए यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी रोड स्कूल हॉस्पिटल इन सारी चीज़ों से क्या होती है हमारी लाइफ प्रोग्रेसिव बनती है तो इसी को क्या कहा जाता है सिविक एमिटीज ओके देन सेकेंड हु मेंबर ऑफ पंचायत के मेंबर को जब चूज किया जाता है तो उसमें कौन सी खासियत वो कितना एलिजिबल है वो देखा जाता है देखो हु पर्सन हु इज एटीन ईयर्स और अबाउ आर एलिजिबल टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ पंचायत जो सदस्य 18 ईयर्स है या उससे ज्यादा है तो वो एलिजिबल होता है मेंबर ऑफ पंचायत का देन नेक्स्ट वो डू द ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकाज डू ये जो ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाज है वो क्या काम करते हैं ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकाज एडवाइज द विलेजर्स अबाउ न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू ग्रो बेटर क्रॉप्स जो भी विलेज के लोग होते हैं तो उनको नई नई टेक्निक्स नए नए तरीके पता नहीं होते हैं तो इन नए तरीकों को आजमाने के लिए ग्राम सेवक और ग्राम सेविका अपने एडवाइस देते हैं कि अगर आप इन न्यू मेथड के साथ अपनी फसल करोगे अपने खेतों में काम करोगे तो शायद आपके खेत में अच्छा अनाज निकल पाएगा तो वो खेती के बारे में नए नए एडवाइस देते हैं ग्राम सेवक और ग्राम सेविका देन फोर्थ राइट एनी टू फंक्शन ऑफ अ अंसिपल कमिटी टू फंक्शंस लिखते हैं म्युनिस्पल कमिटी के तो सबसे पहला है इट कीप्स द सिटी क्लीन म्युनिसपल कमेटी क्या करती है सबसे पहला काम अपने सिटी को क्लीन रखने का काम करते हैं देन नेक्स्ट इट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर गांव के सारे लोग तंदुरुस्त रहे हेल्दी रहे तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है वाटर राइट right? तो वाटर भी बिल्कुल क्लीन एंड नीट होना चाहिए ताकि किसी को भी किसी बीमारी का शिकार बनना ना पड़े है ना तो इट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ओके सो स्टूडेंट Our exercise is over now. So, you have to write in your notebook clean and neat and properly also. Okay? आप अपने नोटबुक में बिल्कुल ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखेंगे एक्सरसाइज ओके okay? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय स्टडी करो मजे से रहो ओके okay?